हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद त्रिगन चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अरावली एरोस वर्सेस पेरियर पंथर्स के बीच में होने वाला युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन का सेकंड मैच के बारे में। तो भाई, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैं 3 GL टीम बना के रख चुका हूँ। भाई, कुल मिला के आपको मैं पूरे 6 GL के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी आपको 3 GL टीम यहाँ पर मैं क्रिएट करके रख चुका हूँ। भाई, एकदम बेस्ट टीम है। लेकिन यहाँ पर अभी जो मैं फोर्थ जो टीम बनाने जा रहा हूँ भाई, चौथा जीएल टीम है, ये जो तीनों टीम है भाई, उसका बाप बनने वाला है। क्योंकि भाई, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं, उनको टीम में लेना चाहिए, उनके लिए क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए भाई, ये सारा जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए, आपको मैं चौथा जीएल टीम बना के दिखाऊंगा। लेकिन फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा भाई, आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। अगर लिंक ओपन नहीं होता भाई, उसके लिए क्या प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए आपको मैं बता दूंगा भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लोकेश घोसलिया का फोटो नहीं है भाई, लेकिन लोकेश घोसला कमाल का डिफेंडर है। तो मेरे हिसाब से भाई, लोकेश घोसला अगर इस सीजन अच्छा खेल लेते हैं, तो वीवो प्रो कबड्डी में इनका एंट्री 100% मिलने वाला है। क्योंकि लोकेश घोसला, मैं जब से मैं कबड्डी कवर कर रहा हूँ भाई, युवा कबड्डी में हर सीजन में लोकेश घोसला की परफॉर्मेंस बेहतरीन देखा भाई। तो लोकेश घोसला एक अच्छा पिक है। उसके बाद भाई, यहाँ पर जो यहाँ पर फोटो नहीं है, उसमें यहाँ पर 4.79 पिक्स इनकी है भाई। ये जो तौसीफ अहमद जो प्लेयर है भाई, कमाल का प्लेयर है, इस प्लेयर को लिख के रखिएगा भाई। ये प्लेयर आपको हाईफाई लगाने वाले हैं, और इनकी एक्सपीरियंस भी है भाई युवा कबड्डी की, कमाल का डिफेंडर है भाई। यहाँ पर इन दोनों को आपको टीम पर रखना है, इन दोनों को मैं टीम पर रख रहा हूँ। उसके बाद आते हैं भाई ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो ऑलराउंडर सेक्शन पे यहाँ पर अनुज सैनी, आज सैन है भाई, काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, तो इनको भी मैंने टीम पे रख लिया। ये तीनों प्लेयर यहाँ पर एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर है, तो यहाँ पर आपको गोपाल सिंह एक प्लेयर है भाई, आप इनको ले सकते हो। लेकिन ये जो चार प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं भाई, यहाँ पर लोकेश घोसला, तौसीफ अहमद, अनुज सैनी, गोपाल सिंह, ये जो चार प्लेयर है, चार प्लेयर को आप जरूर टीम पर रखिएगा। और बाकी तीन प्लेयर पर अगर देखा जाए तो किसको लेना चाहिए, तो यहाँ पर अंकित हरिहरन जाट को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ भाई। उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा और यहाँ पर डिफेंडर, चार डिफेंडर के साथ जा सकते हो, राजेंद्र बकार, इनको मैं टीम पे ले रहा हूँ। और यहाँ पर आपको नकुल चौधरी, सरदार चौधरी, इसके साथ साथ भाई यहाँ पर अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह को आप टीम पे रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक ही राइडर के साथ जा रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर आपको राइडिंग में कौन कौन सा प्लेयर है, तो यहाँ पर आपको लक्ष्यदीप सिंह है भाई, मोहम्मद अरशद, इन दोनों में आप एक प्लेयर को पिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बेस्ट टीम बनाया भाई, ये जो टीम है यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए, सब चीज़ के लिए बेस्ट टीम है भाई। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए लोकेश घोसला एक अच्छा पिक है, तौसीफ अहमद एक अच्छा पिक है भाई। इसके साथ साथ अनुज सैनी को आप टीम पर रखिएगा। इसमें भाई आप देख लीजिए, कुछ प्लेयर्स हैं, ये जो चार प्लेयर्स हैं यहाँ पर, लोकेश घोसला, राजेंद्र बकास, अंकित हरिहरन जाट, तौसीफ अहमद, ये जो चारों प्लेयर है भाई, डिफेंडर सेक्शन पर, ऑलराउंडर्स पर यहाँ पर अंकित सिंह, अनुज सैनी है, और राइडिंग डिपार्टमेंट में गोपाल सिंह है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कैप्टन पे आपको नजर आएंगे भाई लोकेश घोसला, और वाइस कैप्टन पे यहाँ पर आते हैं अनुज सैनी। ये जो हमारा टीम है भाई, पहला जीएल टीम है, तो इस टीम को मैं सेव करके रख लेता हूँ। तो पहले आप भी सेव करके रख लेना भाई, क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस टीम को सेव करके रख लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं 4 GL टीम बना के रख चुका हूँ। तो चार टीम आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई, एक टीम मैंने आपको लाइव बना के दिखाया, लेकिन जो पहला जीएल टीम है आपको मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर आपको राजेंद्र बकार, लोकेश घोसला, और यहाँ पर अयाज नौशद अली, तीन डिफेंडर के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में अनुज सैनी, और यहाँ पर आपको भगत सिंह नजर आएंगे भाई। उसके बाद राइडिंग डिपार्टमेंट में मोहम्मद अरशद, तभी तफिक खान है भाई यहाँ पर। तो कैप्टन पे अनुज सैनी, और यहाँ पर लोकेश घोसला को यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन बनाया। ये जो हमारा टीम है भाई, पहला जीएल टीम है। तो अभी आपको यहाँ पर दो जीएल टीम और दिखाना भाई, दूसरा जीएल टीम, तीसरा जीएल टीम। ये दोनों टीम देखने से पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। अगर लिंक ओपन नहीं होता भाई, इसके लिए क्या प्रोसेस आपको मैं दिखा देता हूँ। तो भाई, अगर टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता, तो टेलीग्राम पर जाकर आपको इस प्रकार सर्च कर लेना, @shatrughan225, अगर इस प्रकार सर्च करते हो तो आपको मेरे चैनल शो जाएगा। 2300 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, और एक जो बंदा भाई मेरे नाम पे फेक चैनल क्रिएट किए, इससे आप कितना दूर रहेंगे, आपके लिए उतना फायदा रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, आज की कबड्डी दो मैचेस हुआ भाई, दोनों मैच में अल्ट्रा क्लीनशिप गया। तो यहां पर आप देख सकते हो, स्मॉल लीग टीम है भाई, आपको यहां पर प्रूफ में दिखा देता हूं। उसके बाद क्रिकेट भी यहां पर हमने महाराष्ट्र T20 प्रीमियर लीग कवर कर रहे हैं भाई, उनमें अच्छा, काफी अच्छा विनिंग जा रहा है। उसके बाद कबड्डी पे आप देख सकते हो भाई, आपको 6 GL टीम यहां पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, 6 GL के साथ साथ यहां पर एक स्मॉल लीग टीम आपको मिलने वाले हैं भाई। यहां पर देख सकते हो, सारे मैचेस कबड्डी हम लोग कवर कर रहे हैं, यहाँ पर भी 6 GL टीम और एक स्मॉल लीग टीम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो भाई, आप जान लीजिए, अगर आपको अपने लॉस को रिकवर करना है, तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, एक बेस्ट है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कौन सा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये भी आपको मैं बता दूंगा भाई। पहला जो
मिनी ग्रैंड लीग है भाई, यहाँ पर आप 10 रुपया लगा के आप यहाँ पर 500 रुपया तक जीत सकते हो। तो 10 रुपया 500 रुपया एक बेस्ट कॉन्टेस्ट होता है भाई, इसी पे या इसी कॉन्टेस्ट की मदद से मैंने काफ़ी अमाउंट जीता। तो यहाँ पर मेरे वॉलेट बैलेंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डे बाय डे किस प्रकार मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी जीतना है तो बस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, आपको मैं सारे लॉसेस रिकवर करूँगा, आपकी आपको मैं विनिंग पर रखने के लिए तैयार हूँ भाई। 6 GL के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए भाई अभी आपको मैं दूसरा GL टीम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 4 डिफेंडर है यहाँ पर, राजेंद्र बकार, अंकित हरिहरन जाट, लोकेश गोसलिया, अयाज नौशद अली है, ऑलराउंडर्स पे अनुज सैनी, और राइडिंग डिपार्टमेंट पे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं भाई गोपाल सिंह, और इसके साथ साथ लक्षदीप सिंह है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे भाई ज़्यादातर यहाँ पर आपको अनुज सैनी और लोकेश गोसलिया भाई, उसके बाद अंकित हरिहरन जाट और यहाँ पर गोपाल सिंह को आप यहाँ पर टीम पर ले सकते हो। ये जो हमारा टीम है दूसरा GL टीम है। तो तीसरा GL टीम पर अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो तौसीफ अहमद को यहाँ पर मैंने डिफेंस सेक्शन पर लिया, लोकेश गोसलिया दोनों बेस्ट प्लेयर है, नकुल सैनी, अनुज सैनी, और यहां पर राइडिंग डिपार्टमेंट मोहम्मद अरशद, गोपाल सिंह, और यहां पर तफीक खान है भाई यहाँ पर। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो तौसीफ अहमद मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे यहाँ पर मैं मोहम्मद अरशद के साथ जा रहा हूँ। ये जो हमारा टीम है भाई तीसरा GL टीम है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भाई 4 GL टीम मैं बना के रख चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन टेलीग्राम पे जो होगा भाई आपको मैं 6 GL के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कल की जो मैचेस उसके बारे में बताने वाला हूँ भाई, युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन की पूरी 5 मैच खेला जाएंगे भाई, ये 5ों मैच हम कवर करेंगे। ये 5ों मैच में भाई आपको 6 GL के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम आपको मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं, बस आपको अपने लॉस को रिकवर करना है। तो बस भाई आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, आपके सारे लॉसेस मैं रिकवर करूंगा, आपको यहां पर 100% मैं विनिंग पे लेके जाने वाला हूं। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना भाई जरूर, और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।